क्वेश्चन डाउन क्वेश्चन डाउन। सही आंसर देने वाले से 100 रुपए लेने हैं। हे गाइस, तो मैं हूँ आनंद और आज मेरे साथ है वरुण और प्रिया। हम लोग आए हैं आज रावण देखने के लिए और मैं अकेला नहीं हूँ, आज आया मेरे साथ पूरा देवास। तो आज मैं पहुंच चुका हूँ देवास शहर के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में और यहाँ पर लगभग पूरा देवास आया है इस रावण दहन के समारोह में। आज मैं यहाँ पर लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछने वाला हूँ क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर रावण दहन का समारोह रखा गया है और मैं आपको आज उस शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और आपको ये मौका दिया है कि आप यहाँ आकर आपकी फैमिली के साथ एक नया मोमेंट क्रिएट करें। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि उनके साथ और कौन कौन है जो इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेले की भीड़ को क्रॉस करते हुए हम सीधे पहुंचे मैदान में जहां पर हो रहा था रावण दहन का समारोह और फिर यहां पर मुझे एक ऐसी चीज दिखी जो बहुत ही कम समारोह में होती है। यहां पर हर आने वालों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा था और आपको पता ही है ये हमारे सनातन धर्म का प्रतीक भी होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज के दिन के बारे में, आज दशहरा सबके बारे में सबसे पूछते हैं कि इस पर्व के बारे में कितना क्या जानते हैं, है ना? हम यहाँ पर रावण दहन के लिए बेल खाने आए हैं। दशहरे के बारे में बताइए, आज हम क्या करने आए हैं यहाँ? रावण को जलाने आए हैं। वो मतलब माची दादी के पास है, वो कब से मांग रहे हैं? वो कब से माची ढूंढ रहे हैं? आप माची लेके बैठे हैं? माची से लेके हम नहीं बैठे हैं, और लोग आए हैं ना, और लोग जलाएंगे, हम लोग रखने आए हैं। हम लोग रखने आए हैं। थोड़ा दूर रावण को मार के उसको हमेशा सेलिब्रेट करते कि हम लोगों के मन में भी अच्छाई रहे और कभी भी बुराई ज्यादा ऊपर ना जाए, इसलिए हैप्पी दशहरा। और मेन पर्पस बेल खाने का है, ये देखो अभी यहाँ प्याज कट रहे थे, अब टमाटर भी कट रहे हैं। मैं इसीलिए यहीं सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ ताकि बेल बन जाए, मैं नहीं जाऊँगा मैं तब तक। तो मैडम आपको और कितना समय लगेगा बेल बनाने में? समय बस 10 मिनट और। ठीक है, हम 10 मिनट बाकी लोगों का इंटरव्यू लेके आते हैं। ये सीधे कानपुर से आ रहे हैं भैया। कानपुर से आए? और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है? ये झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया थोड़ा तो स्क्रिप्टेड रहने दो यार। सबसे पहले सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। हाँ सुन लो, सब लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है? नगरी में आप सभी को जितने भी लोग आए हैं सबका हार्दिक स्वागत है। ये दशहरा पर्व कोई नहीं सुन रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए भव्य रावण दहन हो रहा है। जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, हम लोग सब हमारी फैमिली के साथ में आए हैं। तो आपको अब पहले तो आप पर्व के बारे में बताइए और आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपने हर साल मनाया जाता है, बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि अभी सभी लोग आए हुए हैं, हमारी फैमिली भी आई है, सभी लोग साथ में। Thank you.
पैसा वसूल होना चाहिए। जो भी जो है देखे लोग स्टैंडिंग हो इस अंधे के, आज तक किसी को आज वर्ल्ड लीडर बन रहा है क्योंकि आज इतने लोग खड़े होकर किसी को स्टैंडिंग ओविजन नहीं देते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए, ये देखिए, देखिए धुआं जो है, ये देखिए बादल, अब कल बारिश होगी। ये मेन पर्पज जो है ये गर्मी हो रही थी, ये बारिश करने के अगर जो बादल आप कैप्चर कर रहे हैं। गर्दन गिरी ये गर्दन गिरी घाट गर्दन गिरी घाट से कौन है गिरा ये मेन जूम इन ये जय श्री राम गिरा। तो फाइनली यहाँ पर रावण दहन हो चुका है और हम सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया। अब समय आ गया है उनसे मिलने का जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। तो हमारे साथ में यहाँ पे देवास में, जैसे कि बाकी सारी आपने जो है जगह सारी व्यवस्था देखी, तो हमारे साथ में अजय भी हैं, अजय जी तोमर, जो सारी चीज़ें यहाँ पे जो अरेंज जो अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं वो सबसे मेन जो पर्पस मेन जो पर्सन है इसके पीछे वो इनसे अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो जो है अजय सर। तो ये अभी कितने सालों से कर रहे हैं, इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, सब चीज़ें ये बताएंगे आपको। तो अभी आज का जो हमने सारी चीज़ें जो है जनता को बताया गया कि कितना अच्छा प्रोग्राम रहा है, ये राउंड राउंड हुआ है, तो कितनी सालों की मेहनत है, कितनी मेहनत की जाती है। दिखने में बहुत चीज़ें आसान लगती है आपको, पर ये उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। और लोगों के लिए करना और बिना किसी फायदे के किसी चीज़ के करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मेहनत है इसके बारे में ये बताएंगे आपको। तो सबसे पहले जय राम राम हमारी संस्था का नाम ही जन चेतना, मतलब जनता को जागरूक करना। सनातन धर्म के लिए हम लोग संस्था पूरी टीम लगती है, 15 दिन कड़ी मेहनत के बाद ये विशाल रावण दहन का कार्यक्रम होता है। इसी कड़ी में हम लोग होलिका दहन भी करते हैं, वो भी किसी प्रकार से 6.5 फीट की होलिका की प्रतिमा पेलाद वगैरह, मतलब संस्था जन चेतना सनातन धर्म के कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेती है, उन कार्यक्रम का हर्षोल्लास से वो उत्सव मनाती है। और ये संस्था जन चेतना की पूरी 150 कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत है 15 दिन की, जब ये कार्यक्रम सफल होता है। तो इसमें क्या क्या जो है, सबसे पहले इतने सालों से ये हो रहा है, कितने साल हो गए, तो सुनिए क्या क्या दिक्कतें आती है आपको, हमें ये बताइए, जो जनता जो जानती नहीं है, आकर के लोग बैठते हैं, अपना समय देते हैं, बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं, पर क्या क्या दिक्कतें आप जो है देखते हैं, फेस करते हैं? देखिए ये 23 वर्ष हो चुके हैं संस्था जन चेतना, ये 23वां वर्ष है। जब हमने शुरुआत करी थी तब हमें अनुमति नहीं मिलती थी मैदान की, और बहुत छोटा सा कार्यक्रम करा गया था। धीरे धीरे प्रशासनिक अनुमति में भी प्रॉब्लम आती थी, परेशानी आती थी, क्योंकि कारण क्या है कि जलने वाली चीज़ें सुरक्षा दृष्टि से प्रशासन मांगता था। हमने सब चीज़ें धीरे धीरे अवेलेबल करते आज 2300 वर्ष आज जैसे हमें अनुमति वगैरह इन चीज़ों से तो परेशानी नहीं होती, बाकी जितना क्राउड आता है, जो पब्लिक आती है, उसके हिसाब से हमें वो कार्यक्रम करना पड़ता, वो आयोजन करना पड़ता। उसके लिए तैयारी हम 2-3 महीने पहले चिंतन करते हैं, बैठक करते हैं, उस बैठक में कि नहीं इतनी जनता आएगी, इसको इस बार नया क्या दें। तो आप जैसे कि सारी चीज़ें अभी मैंने फ़ायदे बताए, दिक्कतें भी बताई हैं जनता की अजय मैंने, और यहाँ पे जो है जनता हर्षोल्लास के साथ ही जाती है सब चीज़ों में। मैं एक और आखिरी जो है सवाल और ये है कि क्या, मतलब क्या आप संदेश देना चाहते हैं जनता को, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें करना चाहिए उनको, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को इस चीज़ की जागरूकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी बहुत लोगों से बात की है। तो आपकी क्या रिक्वेस्ट है, मैं चाहता ही हूँ कि आपकी जो अपील है, क्योंकि आप जो है वो एक निरपेक्ष किसी भी फायदे के अलावा आप जो है जनता की सेवा कर रहे हैं,
तो आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या चीजें हैं जो जनता करें जिससे चीजें ठीक हो, सबके फायदे की चीज हो, आप क्या? देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, जो हर सनातनी कहना चाहता है वो मैं भी कहना चाहता हूँ, सिर पर तिलक और घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। जैसे हम हिंदू हैं तो हिंदू दिखना जरूरी है, बताना जरूरी है, जताना जरूरी है, तो सिर पर तिलक लगा के ही निकले और घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए, ये मेरी अपील है। रही बात, हम ये आयोजन क्यों करते हैं, क्योंकि अगली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो देख पाए हमारी संस्कृति को, कि हम किस तरीके से ये आज की कंडीशन में हम बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे होती है, क्यों रावण मारा गया है, क्यों क्यों राम ने रावण के रावण का वध किया है, तो ये सब चीजें नई पीढ़ी को जानकारी हो, इसलिए ये आयोजन होना चाहिए और हर जगह जगह पर होना चाहिए। ये बहुत ही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अजय भैया का, कि बहुत कम समय में इन्होंने जो इतना मूल्यवान समय दिया और इस चीज़ को ध्यान रखे जो अपील की गई है, ठीक है, जो उन्होंने कहा है कि घर से निकले तो तिलक और घर पे जो है ध्वज चाहिए हम लोगों को, अब वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा तो कर सकते हैं उनके लिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका धन्यवाद सबकी तरफ से। कितनी अच्छी बात कही है अजय भैया ने, आपको कुछ नहीं करना है, उनकी एक छोटी सी अपील है, जब भी घर से आप निकलें तिलक लगाकर जरूर निकलें और घर पर एक भगवा जरूर लहराएं, क्योंकि यही हमारी निशानी है कि हम सनातनी हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सही है ना? तो चलिए कल से ही अपने घर पर एक भगवा लहराइए और बाहर निकलते समय तिलक जरूर लगाइए। तो अजय भैया और उनकी टीम के लिए एक लाइक तो बनता है, और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अरे अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो यार, अभी भेल खाना तो बाकी है, चलो ढूंढते हैं उनको। भेल अकेले से हुए। हाँ जी सर, भेल। भाई आकाश जी का आज बर्थडे है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी बर्थडे विशेष दें, अभी 12 बजे के बाद भैया का बर्थडे, ऐसी आतिशबाजी के साथ बर्थडे मनाया जाएगा।